यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने कमर कस ली है। पहले बीएसपी, फिर एसपी, अब बीजेपी। आज से उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। 17 शहरों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन आज एक साथ होगा। हालांकि विपक्षी दल इसे लेकर बीजेपी पर कुछ इस तरह से निशाना साधते नजर आ रहे हैं। हमने तो कहा सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दल अलग अलग जातियों को अपनी तरफ लाने में जुटे हुए हैं। पहले विपक्षी पार्टियों ने प्रबुद्ध वर्ग को साथ लाने के लिए सम्मेलन किए, तो अब बारी बीजेपी की। बीजेपी विपक्षी दलों के मुकाबले आज से प्रबुद्ध सम्मेलन को बड़े स्तर पर करने जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री, सांसद और संगठन से जुड़े नेता शामिल होंगे। आज से शुरू हो रहा बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा। आज 17 शहरों में ये प्रबुद्ध सम्मेलन एक साथ आयोजित होगा। यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर ये प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों का सम्मेलन हम लोग करेंगे, हमको भी जिम्मेदारी दी गई है ताकि जनता के बीच में सच्चाई को बताने का काम करें कि कौन लोग जिंदा लोगों के लिए और ज़रूरतमंद लोगों के लिए राजनीति कर रहे हैं और कौन लोग केवल जातिवादी और सत्ता को पाने के लिए जातिवाद और संप्रदायवाद को भड़काकर राजनीति करना चाहते हैं। ऐसे लोगों से होशियार रहें। भारत की तरफ कोई टेढ़ी नजरों से नहीं देख सकता, क्योंकि भारत का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। यूपी में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, इसलिए पार्टी की कोशिश समाज के प्रबुद्ध वर्ग को अपने साथ बनाए रखने की है। इसे लेकर पार्टी ने कैसी रणनीति बनाई है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी से प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में रहेंगे। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान गाजियाबाद में सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। इसी तरह बाकी शहरों में भी बीजेपी के मंत्री और सांसद प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने हर विधानसभा में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने की रणनीति बनाई है ताकि पूरे प्रदेश में योगी सरकार की उपलब्धियों और बीजेपी के विजन को पहुंचाया जा सके। जो आपकी टीस थी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का शिलान्यास भी मोदी जी ने रख दिया है कि हम लोग किसी जाति का सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। हमारे जो इसमें प्रबुद्ध जनों में उसमें सभी जाति वर्ग के प्रबुद्ध लोग आएंगे, क्योंकि जब हम बात करते हैं आखिर पंडित पंडित कौन है, पंडित वही है ना जो विद्वान है। पंडित कोई जाति थोड़े ना है, पंडित वही है जो विद्वान है। विद्वान तो हर समाज में है, डॉक्टर किसी भी समाज में हो सकता है, किसी भी समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़ा हो सकता है। हमारी पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो इसलिए हर समाज में प्रबुद्ध लोग हैं, हम उनको बुलाएंगे। आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों जरूरी है, उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बीएसपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत 23 जुलाई को अयोध्या से की थी। बहुजन समाज पार्टी प्रबुद्ध समाज को जोड़ने में लगी तो फिर समाजवादी पार्टी कैसे पीछे रहती। आनन फानन में समाजवादी पार्टी ने भी प्रबुद्ध सम्मेलनों का कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसकी शुरुआत 5 अगस्त को पार्टी के बड़े ब्राह्मण नेता रहे जनेश्वर मिश्र की जयंती के दिन बलिया से हुई। बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है। एक तरफ आज से जहां प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत हो रही है, तो वहीं पार्टी का महिला मोर्चा, किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा सभी इस महीने अपनी कार्य समिति की बैठक भी करने जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।